क्या हो रहा है? तो मिस कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट बॉल्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चले से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली हूँ ब्रिटानिया की बॉर्बन बिस्किट। बहुत ही मज़े की लगती है ये बिस्किट मुझे। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाइड एंड सिक्स भी ले सकते हैं आप, जो भी चॉकलेट बिस्किट आप ले सकते हैं। तो ये चॉकलेट बॉल्स मैं दो बिस्किट्स के ही बनाऊंगी। तो इसे मैंने इसे ओपन कर चुकी हूँ और अब दूसरे बिस्किट की पैकेट को भी ओपन करना है। और अब आपको लेना है इस तरह से चॉपर मशीन। चॉपर मशीन में आपको इसमें डालना है बिस्किट्स। और इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जो चॉपर मशीन रहता है वो बिल्कुल भी गिला नहीं रहना चाहिए, ड्राई रहे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बिस्किट को इस तरह से हाथों से ही तोड़कर इस मिक्सी जार में डाल रही हूँ। और अब मैंने हाफ पैकेट जितना बिस्किट जो था वो मैंने इसमें डाल दी हूँ मिक्सी जार में। और अब इसे पीस लेना है। तो इसे इस तरह से पीसना है कि जो बिस्किट है वो पाउडर फॉर्म में हो जाए। थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा हाथ में लगता है ये पाउडर फॉर्म नहीं हुई है तो इसे फिर से पीस लेना है। तो इतना मैंने इसे पीसी हूँ कि ये थोड़े पाउडर फॉर्म में आ चुका है। और अब जो बिस्किट बची हुई है उसे भी मैं पीस लूँगी। अब ये जो बिस्किट्स है वो मैंने अच्छे से पीस ली हूँ, ये देखो आपको दिख रहा होगा। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, आप कोई भी ब्रांड का क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अच्छे से इसे गूंद लेना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही आपको इसे हाथों से प्रेशर दे के इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। और ये सब चीज़ों को मिक्स करने में 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट में ही ये सारे अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है, ये देखिए इस तरह से। और आप कोई भी शेप इसे भी दे सकते हैं, जैसे आप बर्फी शेप भी इसे दे सकते हैं, लेकिन गोल बॉल्स चॉकलेट है तो इसे मैंने राउंड शेप ही दी हूँ इस तरह का। तो इस तरह से चॉकलेट बॉल छोटे और थोड़े से बड़े मैंने बनाई हूँ, ये देखिए बन चुके हैं। अब इसे इस स्टेज पे फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे आपको लेना है इस तरह से कांच का बॉल, और कांच के बॉल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मोर्डे का मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड चॉकलेट इस्तेमाल की हूँ। और अब मैं यहाँ पे नाइफ की हेल्प से यहाँ पे चॉकलेट जो है वो उसे मैं इसे कट कर देती हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने चॉकलेट को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर चुकी हूँ। क्या बोलती हो तुम, क्या काम करती हो? हाँ, अब ये बोलो, ये पहले हाथ को ऐसे ऊपर करो, अब बोलो इसे हम मेल्ट कर देंगे, इसको हम मेल्ट कर देंगे। क्या बोलोगी तुम? मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। ओहो, वाह। और और ये नेल पेंट कौन लगाया आपको? तो निकल गया नेल पेंट। कल क्या है तुम्हारा? बर्थडे। अभी अभी इसे नहीं खाने का, अभी बाद में खाने का, जब 12 AM हो जाएंगे ना, जब भी। गिर जाओगी अभी, तुम उस पर खड़ी हो ना, गिर जाओगी। मम्मी का चैनल सबीना, तू टायर पे खड़ी है, तुम्हारी चेयर किधर है? वही बोल रही हूँ, तुम्हारी चेयर कहाँ है? चेयर गिर जाएगी सकीना। चेयर
लाइट होगा ना मैं हाँ। ये हाथ की अस्थि ऊपर कर लो ये तो ऊपर ही है बोला सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों मैं इसको मिक्स करती हूँ हाँ जब होगा जब मिक्स करना ठीक है ये छोटा मेरे ये मेरा है नहीं बेबी किसका ये है मम्मा का ये मेरा है छोटा हाँ ठीक है ये भी आपका है सब आपका है को सफीना ये देखो मैंने इसे ओवन में गरम की हूँ और ये मेल्ट हो चुका है ये देखो आपको दिख रहा होगा ये देखिए अब इसे मिक्स करेंगे मिक्स करो सफीना मम्मा मिक्स करूँ छोड़ो 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 ये ज़्यादा गर्म नहीं है तो पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ये देखिए कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई इसे मैंने सिर्फ एक मिनट प्री हीट की थी रुको सफी इसके लम्स है ना छोटे छोटे बेबी उसको हटाना है रखी थी हाँ फ्रिज में इसे रखी थी फ्रिज में 10 मिनट रखी थी अब इसको चॉकलेट में डिप करना है सफीना जरा 2 मिनट हाँ बेटा तो इस तरह की आपको स्टिक लेनी है चॉकलेट बॉल के लिए और इस तरह से इस स्टिक को चॉकलेट बॉल के अंदर डाल देना है यहाँ देखिए इस तरह से और इसे मैं डिप करूँगी मेल्ट चॉकलेट के अंदर इस चॉकलेट बॉल को तो इस बॉल को पूरा डिप कर देना है ये देखिए इस तरह से मैंने डिप करके इसे एक बटर पेपर के ऊपर आपको रखना है तो यहाँ मैंने इस तरह से इस चॉकलेट बॉल को रखी हूँ या तो आप इस तरह से चॉकलेट बॉल को लेकर इसे यूं ही डिप कर देना है और जो फोक स्पून है टिश्यू पेपर में रखना है मतलब बटर पेपर पे तो यहाँ जो है ये चॉकलेट्स बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं इसे भी मैं फ्रिज में रखूँगी ये देखिए क्या ही दिख रहे हैं और कुछ मैंने स्टिक्स पे लगाई हूँ तो अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी तैयार है यहाँ पे चॉकलेट बॉल्स आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आएगी सफीना और अकबर को भी बहुत पसंद आया था चॉकलेट बॉल्स आप लोग भी ज़रूर इसे घर में बनाएं मेरे चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग